नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के बारे में देखेंगे। हाल ही फिलहाल 2019 में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य गीत की घोषणा की गई है। तो अभी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की संभावना है उसको देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है, इसमें ये कुछ लाइनें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है कि इसमें से सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य गीत बना कैसे और किसके द्वारा यह गीत लिखा गया है। तो सबसे पहले आते हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन का कैलेंडर अभी हाल ही में जारी किया गया है, उसमें इसका पूरा उल्लेख मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के 20वें राज्य स्थापना या राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्योत्सव 2019 के अवसर पर छत्तीसगढ़ को राज्य गीत का सौगात मिला। प्रख्यात लोक कवि डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित इस छत्तीसगढ़ी गीत को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य गीत घोषित किया गया है और इसको छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 774 दिनांक 18 नवंबर 2019 को तदाशय की अधिसूचना क्रमांक ये में प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता कौन है। तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा से संबंधित कुछ सवाल बनने की संभावना है। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा जो परिचय है देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ के जो गीत राज्य गीत के रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, उनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1939 को। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार के रचयिता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का जन्म सेवाग्राम वर्धा, सेवाग्राम वर्धा में 4 नवंबर 1939 को हुआ था। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय में एमए तथा प्रयोगवादी काव्य और साहित्य चिंतन पर पीएचडी किया। 1973 में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान में दूसरी बार एमए तथा छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव का विकास पर पुनः पीएचडी किया। वे कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, समीक्षक और भाषाविद थे। उन्होंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी में समान रूप से अमूल्य कृतियों का सृजन किया। हिंदी साहित्य के गहन अध्येता होने के साथ ही उन्होंने साहित्य साधना से छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सृजन भी किया। कुशल वक्ता, गंभीर प्राध्यापक, भाषाविद तथा संगीत मर्मज्ञ गायक भी थे। बड़े भाई ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत अधिक पड़ा। 40 वर्ष की अल्पायु में 8 सितंबर को उनका महाप्रयाण हुआ। डॉक्टर वर्मा को छत्तीसगढ़ संस्कृति को गढ़ने वाले महान पुरोधा के रूप में याद किया जाएगा। तो हम इस यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हमें याद रखना है, ये उनका जन्म कब था। 4 नवंबर 1939 को हुआ था और कहाँ हुआ था, सेवाग्राम वर्धा में, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन बनने की संभावना है इसमें से, एक तो जो गीत है अरपा पैरी की धार, इसमें छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो जिले हैं उनमें से किसका किसका दर्शन होता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि कोई जिले का नाम दे जाए, क्या क्या है छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में शामिल है या इसका जिक्र मिलता है। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से गीत, मतलब कौन कौन से जो जिला है उसका इसमें वर्णन मिलता है। एक और नदियों का भी है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले जो लाइन है, पहली लाइन है, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार। अब इसमें पहला जो लाइन में है आपका अरपा,
पहला लाइन में आपका मिलता है अरपा, ये अरपा नदी का नाम है, और अरपा नदी हम जानते हैं कहाँ है, बिलासपुर जिला में है। उसके बाद जो दूसरा लाइन है इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ है, बस्तर संभाग की एक मुख्य नदी है जिसको वहाँ का जीवन रेखा कहा जाता है। तो एक हो गया अरपा, दूसरा हो गया इंद्रावती। इसके अलावा और क्या मिलता है उसको देखते हैं। आगे जो लाइन में है आपका, उसके बाद है रायगढ़। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक जिला है, सरगुजा छत्तीसगढ़ का जिला है। उसके बाद है रायपुर, एक जिला है। दुर्ग बस्तर एक जिला है। नांदगांवे नवा, नांदगांवे एक जगह का नाम है छत्तीसगढ़ के। तो इस तरीके से 1, 2, 3 और 4, 5, और ये है बिलासपुर। 6, 6 आपके जिले का इसमें नाम मिलता है। 2 आपके जो अरपा है, इंद्रावती है, नदी के नाम मिलते हैं। इस तरीके से कुल 8 जगह का इसमें समावेश मिलता है, जिसके बारे में और डिटेल अगर मतलब इसमें फिलहाल एक इतना ही दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इतना है इसमें से, और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। इतना पर्याप्त है कि कौन कौन सा इसमें जिला शामिल है, कब इसको लागू किया गया है, नवंबर से ये प्रभाव में है। उसके बाद जो राज्य उत्सव हुआ 1 नवंबर से, तब से ये प्रभाव में है। उसके बाद इनके रचयिता कौन है, और उनका जन्म स्थली और जन्म तिथि कब है, इतना ही पर्याप्त है इसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।